300% अगर आपका सक्सेस यहां से बढ़ जाए तो कैसा लगेगा? यस, मैं 10 नहीं, 50 नहीं, 100% की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 300% की बात कर रहा हूं कि आपका सक्सेस बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो फॉर्मूला आज मैं बताने वाला हूं वो ब्रेन की लैंग्वेज में काम करता है, बहुत ही सिंपल और बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है, और उसका रिजल्ट बहुत पावरफुल है। 300% आपका सक्सेस बढ़ जाएगा। आपके लाइफ में बहुत सारे गोल हैं और आप बहुत प्रोडक्टिव इंसान बनना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो शुरुआत से अंत तक देखें। मेरे लाइफ में जितने भी गोल हैं मैं इस डायरी में लिखता हूँ, और मुझे बहुत सारे गोल ये फॉर्मूले की मदद से अचीव हुए हैं। अगर आपके भी लाइफ में बहुत सारे गोल है, पर्सनल गोल है, फाइनेंशियल गोल है, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके गोल है, तो ये वीडियो आपके काम का है। आपको एक डिसिप्लिन इंसान बना देगा ये। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो आपको 300% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। किसके लिए है? कोई हाउसवाइफ हो आप, अगर बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी इंसान अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण इलाज हो सकता है। ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण इलाज हो सकता है। मैं इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने ये फॉर्मूले का यूज करके कुछ बहुत बड़ा अचीव किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे फॉर्मूला भी है, यस, मगर अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद, ये फॉर्मूला जानने के बाद हो सकता है आपको बहुत तकलीफ हो, यस, ये तकलीफ जरूर रहेगा, मगर आप लाइफ में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, बहुत आगे पहुंच जाओगे, आपके सब सपने हासिल होना शुरू हो जाएंगे, आपके सब ड्रीम जो है ना वो हासिल होना शुरू कर जाएंगे। ये फॉर्मूला के लिए एक चीज, एक प्रीरिक्विजिट है। प्रीरिक्विजिट का मतलब है कुछ होने के लिए कुछ होना पड़ता है, यानी अगर गाड़ी चलानी है तो उसके लिए पेट्रोल मिनिमम प्रीरिक्विजिट है, उतना तो होना ही चाहिए। सो ये अगर फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो और लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो इसके लिए एक ही प्रीरिक्विजिट है, वो है करेज। हिम्मत की जरूरत पड़ेगी आपको। हिम्मत की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि ये फॉर्मूला जानने के बाद आपको कुछ नए स्टेप लेने पड़ेंगे, जिससे बहुत सारी चीजें आपकी बदल जाएगी, आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और जब जैसे ही आप अनकंफर्टेबल होंगे थोड़ा पेन शुरू होगा, थोड़ा दर्द शुरू होगा, वो फिजिकल नहीं होगा, वो मेंटली भी हो सकता है, मगर वो कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, अगर थोड़ा सा पेन आपने बर्दाश्त कर लिया ना तो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। सो अब आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी जग रही होगी कि क्या है ये फॉर्मूला। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं फॉर्मूले की तरफ जाता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। इस फॉर्मूले का नाम है इफ देन फॉर्मूला, बहुत इजी है। If X happen, then I will do Y. अगर X होता है तो मैं Y करूंगा। If then, अगर तो formula, मतलब इसको English में कहेंगे If then, अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा। So, example, अगर मैं गुस्सा हुआ तो मैं उसको जवाब, सामने वाले इंसान को जवाब एक घंटे बाद दूंगा। दूसरा example, अगर मैं गुस्सा हुआ तो मैं 50 रुपए की चैरिटी करूंगा, किसी को दान दूंगा। If, अगर मैं बुक रीडिंग कर रहा हो या कुछ इंपॉर्टेंट रीड कर रहा हो तो उसको मैं उसको उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स या उसके कुछ अच्छे नोट्स बना के अपनी एक नोटबुक में लिखूंगा। अगर मैंने मेरे बच्चे को या किसी और के बच्चे को डांटा तो मैं 50 रुपीज या 100 रुपीज का दान करूंगा। अगर मैं दुखी हुआ तो मैं म्यूजिक सुनूंगा या मैं किसी वॉक पे चला जाऊंगा। अगर मैं जिम नहीं गया तो उस दिन मैं शाम का डिनर नहीं करूंगा, या दूसरे दिन मैं पूरे दिन घी या बटर नहीं खाऊंगा। अगर मैं घर पे अकेला हूं तो मैं ऐसी फालतू की वेब सीरीज नहीं देखूंगा जिससे मेरा माइंड और बॉडी इम्बेलेंस हो जाए। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग, हर उम्र के लोग देखते हैं, तो आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, अगर मेरी वाइफ मुझ पर गुस्सा हो जाती है, जो नॉर्मली होता भी है सबके साथ, सो मैं शांत रहूंगा। और अगर आपका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है तो वाइफ यानी आप शांत हो जाना। इफ इट्स 9 ए एम देन आई विल डू मेडिटेशन, अगर सुबह के 9 बजते हैं तो मैं मेडिटेशन करूंगा।
अगर सुबह के 7-8-9 बजते हैं तो मैं मेडिटेशन करूंगा, ये टाइम आप डिसाइड कर सकते हो कि 7-8-9 कितने बजे का टाइम है आपको मेडिटेशन करना है। सो इफ इट्स 9 AM आई विल डू मेडिटेशन। अगर मैं कंटिन्यू 55 मिनट्स तक काम करता हूँ देन मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। फिर आपको कोई ऑफिस वर्क कर रहे हो, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो, हाउस वाइफ कोई पर्टिकुलर घर का काम कर रही है, 55 मिनट्स के बाद 10 मिनट का ब्रेक। अगर संडे है तो ये फैमिली डे होगा, उस दिन सिर्फ मैं सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। अगर मैं मेडिटेशन नहीं करूं तब तक मैं मोबाइल और टीवी रिमोट को टच भी नहीं करूंगा। अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी को अप्लाई करूंगा। इस तरह से आप, मैंने ये इतने सारे आपको एग्जांपल दिए, आपकी लाइफ में जो भी लग रहा है, आपकी लाइफ में जो भी आपके गोल है, जो भी आप प्रोडक्टिविटी आप चाहते हैं, उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि इफ देन, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं करूंगा, अगर ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा। आप आपकी लाइफ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है और ये फॉर्मूला ब्रेन की लैंग्वेज में काम करता है। कहते हैं कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। सो भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर आप खुद के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपके गोल के अचीव होने की स्पीड है ना 300% बढ़ जाएगी। और जब गोल के अचीव होने की स्पीड 300% बढ़ जाएगी ना, तो गोल आपका सक्सेस 300% बढ़ जाएगा। सब सवाल ये आता है कि करना कैसे, इफ देन फॉर्मूला को करना कैसे, हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है अपनी। जैसे कि मेरे पास एक डायरी है आई कैन डायरी, उसी तरह आपको भी बनानी है कि आई कैन डायरी। उसमें आपको लिखने हैं इफ देन फॉर्मूला कि 1, 2, 3 जो जो आपको आपकी लाइफ में चेंजेस चाहते हो कि जिसकी वजह से आपका आपकी लाइफ के जो भी गोल है वो अचीव हो जाए, उसको 1, 2, 3 लिखना है। इफ देन वो जब आप लिखोगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारे आपके चेंजेस होना शुरू हो गए। थोड़ा दर्द होगा, मैंने शुरुआत में कहा था कि थोड़ा दर्द जरूर होगा, मगर जब लिखोगे और जब अचीव होगा ना तब आप एक बार मुझे जरूर याद करोगे। यस, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, जब मेरा आज से करीबन 14-15 साल पहले एक बहुत बड़ा गोल था, मैं उसके बारे में अभी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, मगर एक बहुत बड़ा गोल था जो गोल मुझे अचीव करना था और उस गोल के लिए बहुत सारी एनर्जी भी लगेगी, बहुत सारी एफर्ट्स भी लग रही थी और बहुत सारे पैसे भी लगने वाले थे। और वो टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गोल मेरा कभी अचीव कर सकूँ मैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इफ़ ये गोल जो डैश जो भी गोल था, इफ़ ये मेरा गोल हासिल नहीं होगा तब तक मैं आम यानी मैंगो नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंगो सबसे फेवरेट फ्रूट है मेरा और उसका वो सीजनेबल फ्रूट है, वो शायद पूरे साल में 2, 3 या 4 महीने ही उसका सीजन होता है, मगर वो मेरा फेवरेट फ्रूट होने के बावजूद वो मैंने छोड़ दिया था। सी पेन यही है, पेन जो कहते हैं ना वो दर्द, थोड़ा सा दर्द मगर बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। सो मैंने किया, इफ ये चीज़ होगा तो उसके बाद ही मैं मैंगो खाऊंगा। तो मैंने 12 साल मैंगो नहीं खाए, 12 साल तक मैंने मैंगो को छोड़ दिया और जब 2019 में वो मेरा गोल अचीव हो गया उसके बाद मैंने मैंगो खाना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड, एक्स और वाई आपका कनेक्ट होगा, इफ एक्स हैपन देन आई विल डू वाई, अगर ये मेरा अचीव होगा तो ही मैं ये करूंगा। माय डियर फ्रेंड, आपके गोल लिखे और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के अब तक मैसेज आ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत जल्दी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं, उसकी पूरी सीरीज निकालने वाले हैं। सो प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।